तिल बटर स्कॉच केक बनाने के लिए 1/4 कप तिल पिसा हुआ, 1/4 कप चीनी पिसी हुई, आधा कप मैदा, आधा कप दूध, 2 टेबल स्पून घी लें और 1/4 टी स्पून इनो पाउडर। अब इस बाउल में तिल डालें, पिसा हुआ चीनी, मैदा, दूध सभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा दूध हम रहने दें और घी। अब इसे अच्छे से हिलाएं। अब जो बचा हुआ दूध है वह भी हम इसमें डाल देंगे। इस केक को मैं तवे के ऊपर बना रही हूँ, इसलिए मैंने तवा 10 मिनट पहले से ही गैस पर रख दिया है और इसके लिए मैंने सबसे कम हीट रखी है और हमारा पूरा केक इसी लो फ्लेम पर बनेगा। अब इस कंटेनर में मैं चारों तरफ घी लगाऊंगी। इस तरह चारों तरफ अच्छे से घी लगा दें। अब मैं थोड़ा सा आटा इस पर वो रखूंगी और उसे इस तरह से करें। केक का बैटर इसमें डालें, इसे इस पर रखें और अब हम इसे तवे पर रख देंगे। घोल डालने के बाद जब हम इसे तवे पर रखेंगे तो इसे बनने में कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। अब इनो पाउडर डालकर इसे जल्दी जल्दी हिलाएं। अब इसे ऐसा ऐसा कर दें और अब हम इसे गैस पर रखेंगे। इसके ऊपर एक प्लेट ढके और उसके ऊपर एक और तवा रख दें। 15 मिनट के बाद हम चेक करके देखेंगे कि केक बना या नहीं। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम केक को चेक करेंगे। चाकू पूरी तरह सूखा निकला है, इसका मतलब है केक तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और केक का पार्ट गैस पर से निकाल लेंगे। अब इसे चाकू से इस तरह से करें। अब एक प्लेट इस पे इस तरह से रखें और इसे ऐसे करें। तिल का केक कितना सुंदर लग रहा है। बटर स्कॉच क्रंच बनाने के लिए थोड़ा सा घी लें, 1 टेबल स्पून तिल लें, 3 टेबल स्पून चीनी लें।
कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रखें। 3 टेबल स्पून चीनी लें और चीनी को पिघलने दें। अब इसमें घी डाल दें। एक थाली ले पहले से उसमें घी लगा कर रखें। चीनी पिघल चुकी है, गैस को बंद कर दें। अब इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल दें। अब इसे थाली में डाल दें। अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रहने दें। अब क्रंच का चूरा कर लें। अभी बेलन ले इस तरह से। इस तरह इसका चूरा करें। अब 1 लीटर दूध की मलाई लें। मलाई को इस तरह से करें। अब हम केक के ऊपर मलाई को लगा देंगे। इस तरह से मलाई को चारों तरफ लगा दें। इस तरह मलाई को चारों तरफ लगा दें। अब इसके ऊपर हम क्रंच को डाल देंगे। चारों तरफ क्रंच को लगाने के बाद जो मलाई बची है उसे हम इस तरह से इसके ऊपर डाल दें। तिल बटर स्कॉच केक बनकर तैयार है। मेरे अगले वीडियो में आप तिल बटर स्कॉच आइसक्रीम देखें।